बताइए। चलिए निकालिए। 15 मीटर पर सेकेंड से गया, 53 डिग्री एंगल पे 20 मीटर। जल्दी बताइए फटाफट, लैंड करेगी? अच्छा, मुझे तो नहीं लगता लैंड करेगी। ट्वेल्व के हिसाब से इसको 2.4 सेकेंड लगेगा गिरने में। 2.4 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 12 के हिसाब से इसको जो समय लगेगा कितना, 2u/g, 24/10, मतलब 2.4 सेकेंड। और 2.4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? नहीं लैंड करेगी, बिल्कुल ठीक है। 2.4 सेकेंड में 9 × 8 = 36, 9 × 18 = 36, 21 समथिंग, 21 हम लोग यहाँ पर आके बॉल गिरने वाली इस तरह। लेकिन वाई की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे 10 लेकर के तो सॉल्व नहीं होगा, रूट्स नॉन रियल आ जाएंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा। कैसे? वाई बराबर 10 पुट कर, एक्स 10 थीटा, एक्स 10 माइनस 10x² बाई 2 × 15 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। ठीक है? नहीं नहीं ऋत्विक लैंड नहीं करेगी बेटे, इसको निकालेंगे इसका रूट नेगेटिव आ जाएगा। 10 = 4/3x − 10x² / 2 × 9 × 9। (5x²−108x + 810 = 0). इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा। कोई बात नहीं, सॉरी करने की जरूरत नहीं आया तो नहीं आया। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालिए, (x = 108+−√8² − 4 × 810 × 5/10। तो ये वैल्यू जो देखेंगे तो क्या आ जाएगी? नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं भी आएगी तो भी ये वैल्यू इसके रूट्स के अंदर नहीं आने वाली। ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा। 12² / 2² / 2g 12 × 144 × 20 मतलब हो गया करीब 7.5 मीटर के आसपास हाइट आ रही है। मैक्सिमम हाइट इसकी 7 समथिंग समथिंग मीटर आ रही है। ठीक है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। इसलिए अगर हम चेक करें, फ्रॉम डैश 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 टू ऑल इट विल लैंड डेफिनेटली। कौन है भाई डैश डैश डैश? डैश 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 कौन भाई बताओ, तभी तो हम लोग डिस्कशन करें। डॉट डॉट डॉट
ओ माय गॉड, मैंने एक मिनट बच्चों कुछ बच्चों को इनवाइट करना था, मैं भूल गया, डेली भूल जाता हूँ। एक मिनट बच्चों, तो भाई जो भी कोई डैश 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 है, इट विल लैंड डेफिनेटली, गलत है, नहीं लैंड करेगी बॉल इस वाले रूफ के ऊपर, इस रूफ के ऊपर लैंड नहीं करेगी, क्योंकि हमने जब इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू, जब y की वैल्यू 10 थी तो x की वैल्यू आ रही है नॉन रियल, x की y की वैल्यू कभी 10 होगी नहीं, क्योंकि इसके पास 12 इसकी वर्टिकल हाइट है और वर्टिकल हाइट के हिसाब से मैक्सिमम हाइट ये अचीव कर सकता है 12 का स्क्वायर बाय 2 इनटू 10 दैट इक्वल्स टू 144 बाय 20 7.2 मीटर। देख के मालूम चल रहा है इसकी मैक्सिमम हाइट ही 7.2 मीटर है, यानी ये 10 मीटर के मार्क को ऊपर लेके जाएगी ही नहीं, ठीक है ना, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ लैंड करनी ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस टाइप की प्रॉब्लम है। अब कुछ वो एरोप्लेन वाली भी प्रॉब्लम देखी होगी, एक एरोप्लेन उड़ता हुआ जा रहा है, एरोप्लेन बना दिया जाए, ब्लड रिलीफ कैंप में ये जा रहा है, सपोज 1000 मीटर ऊपर है, 1 किलोमीटर ऊपर है, और यहां से इसकी स्पीड दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड, 1D के डाउट क्लास कब लूंगा, सारे डाउट मैं प्रोजेक्टाइल के बाद लूंगा, उसके बाद वो वाले करूंगा रिलेटिव रिलेटिव वाले, तो प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करके फिर सारे डाउट्स एक साथ ले, ठीक है ना, फिर वो क्या बोलते हैं उसको रिलेटिव वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी वाला पोर्शन एक बचेगा, उसको डिस्कस कर लेंगे अलग। एक हेलीकॉप्टर है वो रिलीफ कैंप में जा रहा, मतलब वो फ्लड रिलीफ वाले के लिए जा रहा है, और कोई पैकेट को ड्रॉप करता है, कॉफी पैकेट and where it will land, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से निकाल के बताइए, ठीक है, यहाँ ये 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, यहाँ से एक पैकेट को ड्रॉप किया गया, वो नीचे यहाँ गिरेगा कि कहीं और गिरेगा, इस पॉइंट पे गिरेगा कि राइट में गिरेगा कि लेफ्ट में गिरेगा, बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, बॉम्ब वाले क्वेश्चन हो गए, पैकेट वाला क्वेश्चन हो गया, कहाँ ड्रॉप करेगा भाई, कहाँ गिरेगा ये, राइट में, हाँ लॉजिकल है, क्यों, मैंने ये बताया था आपको, जब दो बॉडी सेपरेट होती है तो उनकी वेलोसिटी क्या होती है, सेम, तो अगर मैं यहाँ से एक पैकेट को ड्रॉप करूंगा तो पैकेट अभव ने आंसर गिर गया 400√2, ठीक है, तो ये पैकेट को ड्रॉप करूंगा तो नीचे नहीं गिरेगा, वो पैकेट कुछ यूं जाएगा, क्यों, उस पैकेट के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40, इस पैकेट के पास इनिशियल वेलोसिटी 40 है, 400√2 उत्कर्ष का भी आ गया, मॉस मोहित का भी, राइट अवर मोहित जॉन मौलिक का 400√2, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा कैसे करना है इसको, हाँ ठीक है 400√2 सही, आदित्य ठीक है बेटे, सब सही है 400√2, ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे करना है, y बराबर x tan थीटा, अब चूंकि नीचे की तरफ ड्रॉप्ड है, बॉल नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल के नीचे की तरफ प्रोजेक्ट की जाएगी, तब आपको क्या करना है, तब आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अप्लाई कर देनी, तो y की वैल्यू 1000 x tan 0 प्लस 10x स्क्वायर बाई 2 इंटू 40 का स्क्वायर cos स्क्वायर, देख लीजिए
ये एक तरीके का प्रोजेक्टाइल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या ट्रेजेक्ट्री है, ये है वो है ट्रेजेक्ट्री, तो भी अलग से देख लेते हैं फटाफट, वो एक तो आर्टिकल के तौर पे डिस्कस कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, तो पहले न्यूमेरिकल की तरह कर लिया 1000 इक्वल टू एक्स 10 0 प्लस 10, लेकिन हम करेंगे अपने नॉर्मल तरीके से। थीटा 0 क्यों लिया, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, जब हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना लिया जाएगा उसका, 0 लिया जाएगा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल के साथ कोई भी एंगल मेंटेन नहीं कर रहा है इसलिए उसका एंगल लिया जाएगा 0, ठीक है ना। y is equal to x tan theta, प्लस क्यों लिया भाई प्लस, जब बॉल नीचे की तरफ जाए हॉरिजॉन्टल, या तो मैंने पहले बताया था या तो यू हॉरिजॉन्टली फेंकूं या तो यू फेंकूं, इस केस में जी को ले लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान रखना है जी विल बिकम पॉजिटिव, इक्वेशन में जहां जहां जी आ रहा था वहां वहां पॉजिटिव ले लिया जाएगा। तो अब इसको x की वैल्यू को निकालना है, पुट करके निकाल, 1000 is equal to 10x square upon cos 01 होता है 3200, तो x बराबर 10,000 into 32, यानी 4 root 2 into 100, that is 400 root, ठीक। अभी और इनटू प्रोजेक्टाइल डिस्कस कर रहे हैं, फटाफट ये भी निकाल लो, नीचे की तरफ फेंक ही रहे हैं, ये 37 डिग्री पे फेंका गया एक टावर से। अब काफी कुछ आपने प्रैक्टिस कर लिया, अब हम लॉजिक वाले क्वेश्चनों पे चल सकते हैं। अब आपको इन बेसिक इक्वेशन को यूज करना आ गया, ये ले लिया मैंने u की वैल्यू, ले ली मैंने 25 मीटर पर सेकेंड, और ये ले लिया चलो जो भी, इसको ले लीजिए 50 मीटर ले लीजिए। पूछता है कहाँ गिरेगी ये बॉल, टाइम भी पूछ सकता है, और अगर टाइम पूछे तो टाइम के लिए इक्वेशंस लगानी, कौन सी एक्स वाली अलग वाई वाली अलग, ठीक है। अभी फिलहाल मैं एक्स पूछ रहा हूँ, फाइंड एक्स, जल्दी से निकालिए और बताइए फटाफट। आपकी बार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जब तक टाइम ना पूछे तब तक इक्वेशन नॉर्मल वाली नहीं लगानी, जब तक ट्रेजेक्टरी से काम चल जाएगा। फोर्टी मीटर भव्य का आंसर आ गया, उत्कर्ष का भी 40 आ गया, ठीक है, अंजलि का भी 40 आ गया, ऋत्विक का भी 40, आदित्य का भी 40, ठीक है सर, 40 मीटर, हाँ बिल्कुल ठीक है, रिंपल रिंपल सबका 40 आ गया, समझ में आ ही रहा हो क्या करना है। y बराबर x tan theta समथिंग समथिंग, तो y 50 है, x निकालना है, हॉरिजॉन्टल से एंगल 37 डिग्री है, प्लस 10x स्क्वायर बाय 2 इंटू 25 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 37, इसको सॉल्व कर लीजिए, आफ्टर सॉल्विंग x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबका 40 आ रहा था, 40 आ रहा होगा, प्लस साइन लगाएंगे ना, एक स्पेशल नाम से चलता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। किसी टावर से एक बॉल को फेंक दिया गया यू वेलोसिटी से, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास इसमें मेहनत वाला काम नहीं है। तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लेता है, रेंज पूछ लेता है, ये हाइट एच दे रखी है, रेंज पूछ लेता है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछ लेता है, फटाफट निकालिए और बताइए, और जनरल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन बता दीजिए। दिस इज एक्स,
दिस इज वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप बता दीजिए, एच दे रखा है, आर बता दीजिए और टी बता दीजिए, निकालिए और बताइए। क्वेश्चन की तरह कर लीजिए इसको, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोल दिया, इसको सिंपली क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लीजिए। टाइम टी इज इक्वल टू कैपिटल टी व्हेन वाई बराबर एच, एक्स अलग वाई अलग। अब ऐसे केस में पूरा का पूरा नॉर्मल तरीके से यू एक्स इज इक्वल टू यू, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया, ए एक्स इज इक्वल, सॉरी यू वाई इज इक्वल टू जीरो, ए वाई इज इक्वल टू प्लस जी, और वाई की वैल्यू है एच। तो एक्स इज इक्वल टू यू टी फर्स्ट, और y इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर सेकेंड। वी वेलोसिटी वाले नहीं लिख रहे हैं, t बराबर x बाय यू पुट इन, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ g इंटू x बाय यू का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गई, नहीं कोई जरूरत नहीं, हमको सिंपल तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, कोई आर्टिकल वार्टिकल के तरीके से नहीं देखना है, तो ना रटना है इसके फॉर्मूले को, ये निकालने का तरीका है। एट टी इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू एच, तो एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, दैट शोज टी इज इक्वल टू रूट टू एच बाय जी। अरे तो बड़ा पुराना वाला आ गया, रूट टू एच बाय जी तो हमने टाइम निकाल ही रखा है, लॉजिकल है, चेक करो। वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं तो वर्टिकल में फ्री फॉल है, हॉरिजॉन्टल में यू वेलोसिटी कांस्टेंट है, वर्टिकल में फ्री फॉल है। तो फ्री फॉल में मैंने आपको सिखाया था कि कितना टाइम लेता है किसी भी हाइट को गिरने में, रूट टू एच बाई जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट नीचे तक गिरने में कितना समय लगाया उसने, रूट टू एच बाई जी। रेंज पूछ ले तो रेंज इज इक्वल टू यू टी, तो रेंज इज इक्वल टू यू टाइम्स रूट टू एच बाई जी, निकालने की जरूरत नहीं है। ये स्कूल की एग्जाम में जनरली दो प्रोजेक्टाइल बोल देता है, एक होता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एक बोलता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो आपके फाइनल एग्जाम वगैरह में ये आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसके न्यूमेरिकल्स को एज ए न्यूमेरिकल ही लेके चलिए, मतलब हम इसको एक्स वाई के तरीके से जैसे सॉल्व कर रहे थे पहले वैसे ही सॉल्व करेंगे, हमारे न्यूमेरिकल की तरह, हम इसको रटेंगे नहीं कि इस फॉर्मूले को पुट करें, नहीं हमको इस फॉर्मूले को पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, हम जनरल प्रोजेक्टाइल के तरीके से ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जरा स्टेप्स की प्रॉब्लम देख लेते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका काम है, समझ में आ गया कि दोबारा एक्सप्लेन करूं, वही पुरानी कहानी है, एक्स वाई अलग कर लिया, इक्वेशंस लिख लिए, सॉल्व कर लिया। एक स्टेप दे रखा है सीढ़ी, ठीक, एक बॉल को सिंपल कर रहा हूं मैं, प्रोजेक्ट किया गया यू वेलोसिटी, हर स्टेप की हाइट है h और विड्थ है w। इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है किस स्टेप पे गिरेगा, ये बॉल आपने सीढ़ी पे ऊपर से एक बॉल को फेंका तो किस स्टेप पे गिरेगी, तो मैं जो पहली वाली स्टेप, इसको फर्स्ट स्टेप लिख लूंगा, इसको सेकंड स्टेप लिख लूंगा, इसको थर्ड स्टेप लिख लूंगा, इसको फोर्थ स्टेप लिख लूंगा, लेट ऑन nth स्टेप। अब जरा समझते हैं, nth स्टेप का मतलब हो गया फर्स्ट स्टेप यहां से लेके यहां तक पूरी है, तो आपको एक एंड पोजिशन एज्यूम करनी पड़ेगी, तो आप फर्स्ट स्टेप को मानिए यहां पर गिर रहा है, सेकेंड स्टेप को मानिए कि यहां गिर रहा है, थर्ड स्टेप को मानिए कि यहां गिर रहा है, फोर्थ स्टेप को मानिए यहां गिर रहा है, एंड सो ऑन, इस तरीके से स्टेप दे रहा है। तो अब अगर मान लो मैंने सॉल्व किया और मेरे n की वैल्यू आ गई 3.4, कहाँ गिर रहा है वो, किस स्टेप पे, फोर्थ पे। अगर वो 3 पे यहाँ गिर रहा है तो 3.4 इसके आगे होगा, यानी फोर्थ पे गिरेगा, तो यही कॉमन सेंस है, इसको ध्यान रखना है। तो आप हमेशा जब भी कभी प्रॉब्लम दे रखी हो तो उसमें बड़ी माइन्यूटली ध्यान दीजिएगा
स्टेप की काउंटिंग कैसे, कई बार ये फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं, हालांकि फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, ये तो ऊपर सबसे वो लेवल है, उल्टा भी फेंक सकते हैं, सीधा भी फेंक सकते हैं, नीचे से भी ऊपर फेंक सकते हैं, ऊपर से भी नीचे फेंक सकते हैं, एंगल पे फेंक सकते हैं, तिरछा फेंक सकते हैं, कैसे भी। तो आपका मुद्दा क्या है कि आपको हाइट और विड्थ दे रखी होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्स और वाई की वैल्यू एम के टर्म में निकलेगी। तो आप एंड कंडीशन एज्यूम कर लिया कीजिए, एंड कंडीशन मतलब किसी भी एंड पॉइंट को पकड़ लीजिए। तो यहाँ पर एन की वैल्यू अगर वन है तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू डब्ल्यू है और वाई की वैल्यू कितनी है एच। अगर एन बराबर टू है तो एन बराबर वन, तो एक्स बराबर डब्ल्यू, वाई बराबर एच। एन बराबर टू तो एक्स बराबर टू एच, वाई बराबर टू एच। ये चेक करना पड़ेगा प्रॉब्लम के हिसाब से, ये नहीं कि यही रट के पूरा इसी में फॉर्मूले में पुट कर दिया, वो डिपेंड करेगा किस स्टेप पे गिर रहा है। परेशान की हुई यार, काट लेगी क्या। n इज इक्वल टू n पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी n w, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी n h। पुट इन किसमें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जनरली ट्रेजेक्ट्री में काम चल जाता है, या जनरल इक्वेशन जो इसकी इक्वेशन, एंड सॉल्व फॉर n। बात समझ में आ गई। तो इस केस में देखिए मैं लिख देता हूं, इस वाले सिंपल केस के लिए क्या बन जाएगी इक्वेशन, n h इज इक्वल टू n w tan 0 प्लस g n w का स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर 0। समझ में आ गया। जनरल केस ये जीरो बन जाएगा, एन एन कट जाएगा, तो एन की वैल्यू यहां से निकल आएगी, कॉस स्क्वायर जीरो बन जाएगा, टू यू स्क्वायर एच बाई जी डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे जरा फटाफट एक दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं, अलग अलग टाइप के, ऊपर फेंका, नीचे फेंका, इधर फेंका, उधर फेंका। ठीक है, तो इसको रटना नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, ये निकालने का तरीका है। ध्यान रखिएगा कहाँ गिर रही है, किधर गिर रही है, आपका काम। स्टेप की काउंटिंग में दे दूंगा। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करके एन की वैल्यू 4.7 आ गई, कहाँ गिर रहा है ये, फोर्थ के बाद, फोर्थ के स्टेप के बाद, फिफ्थ स्टेप पे, फिफ्थ पे, फोर्थ के बाद मतलब फिफ्थ पे गिरा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। पहले सिंपल ही उठाते हैं, एक बॉल को ये दे रखी है हाफ मीटर की, तो ये भी हाफ मीटर की, काफी बड़ी बड़ी स्टेप्स हैं, आधे आधे मीटर की दे रखी है, सिंपल दिए हैं। बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया 20 मीटर पर सेकेंड से, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, हॉरिजॉन्टली, जनरली हॉरिजॉन्टली करते हैं, लेकिन अभी हम एंगल भी ले लेंगे। इसको फर्स्ट स्टेप ले लीजिए, इसको सेकंड स्टेप ले लीजिए, एंड सो ऑन। ऑन विच स्टेप, जल्दी निकालिए, बॉल विल लैंड। आप फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आप ट्रेजेक्ट्री सॉल्व करेंगे। सर विड्थ क्या है, 1/2, 1/2, आधे आधे मीटर की सीढ़ियां, काफी चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां, ऊंची और चौड़ी सीढ़ियां, मंदिरों की सीढ़ियां, ऊपर छत पे और वहां जाने वाली, पहाड़ों पे चढ़ते वक्त काफी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, आधे मीटर की चौड़ाई, आधे मीटर वैसे बहुत बड़ा होता है, जनरली स्टेप जो होते हैं वो कितने मीटर की, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, हाँ 30-40 की चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती करीब 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। निकालिए और बताइए, जल्दी बताइए। अब ट्रेजेक्ट्री लगानी है, एंथ पे गिरा लो, किस स्टेप पे गिरेगी वो बता देना है। कई लोग बहुत लेट लेट ज्वाइन करते रहते, जैसे अभी हिमांशु वर्मा है, कहाँ सो रहे थे भैया, हिमांशु वर्मा ज्वाइन, पूरी क्लास ओवर होने वाली होती है तुम लोग ज्वाइन कर रहे होते हो, सवा 8 इसमें ग्लू चल रही है, गर्मी हो रही है इतनी, सुबह उठा करो टाइमली, और टाइमली बिल्कुल सब लोग विद इन 2-3 मिनट सब लोग ज्वाइन कर लिया करो,
ये नहीं कि ज्वाइन कर रहे हैं आराम से सो के उठ रहे हैं घर वालों से कि हाँ क्लास अटेंड कर रहे हैं दिखाने के लिए। मौलिक कह रहा है 160 पे गिरेगी, बाप रे बहुत नीचे गिरेगी 160। ऋत्विक का भी आ गया, ठीक है ठीक है। आदित्य 60, दिलिशा 160, सबका 160, प्रांजल 160, बहुत लंबी सीढ़ियां हैं ये तो। बाप रे श्रुति 160, यश ठीक है 160, भव्य भावुक ठीक है 160 160, ओके अंजलि 160 ठीक है, आस्था 160, प्रत्युष 160, अभिनव 160। अच्छा सर हिमांशु वर्मा मैं हूँ वो पता नहीं कौन है, मेरे नाम से ज्वाइन किया है। अच्छा तुम्हारे नाम का डुप्लीकेट भी है हिमांशु, कोई बात नहीं। रिदम 160, सबका 160 आ गया, समझ में आ गया मुझे कि आपको समझ में आ गया, ठीक है चलो ध्यान देते हैं। मैं निकाल देता हूँ वाई, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ वाई बराबर एक्स टेन थीटा, वाई की एक्स बराबर एन डब्ल्यू वाई बराबर एन एच, तो ये हो गया एन बाई टू और ये भी हो गया एन बाई टू, ठीक है। एच की वैल्यू और वाई की वैल्यू 1/2 मीटर है, तो एन बाई टू वाई इज इक्वल टू एन बाई टू टेन जीरो प्लस टेन एन बाई टू का स्क्वायर बाई टू इंटू 20 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर जीरो। वन हो गया 200 400 800 एन बाई 160 इज इक्वल टू 1 और एन इज इक्वल टू 160, ठीक है बढ़िया है। एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया गया 37 डिग्री पे 5 मीटर पर सेकेंड से। फिर ले लेते हैं 1/2 निकालिए और बताइए। बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया u, ध्यान रखना है आप इसमें प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे जी, माइनस माइनस वाई यू पर होगा ना, उस यू को पॉजिटिव ले लेंगे वाई माइनस। हाँ मैंने सिखाया था ये सब बातें ध्यान रखनी है। ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, अगर ये अपने लेवल से ऊपर गिरता है तो पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन अपने लेवल से नीचे गिर रहा है ये, तो मतलब वाई की वैल्यू निगेटिव ली जाएगी, ध्यान रखिएगा। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगानी है, एक्स और वाई की वैल्यू वही आने वाली जो मैंने थोड़ी देर पहले ली थी, बस उसमें सिखाने का तरीका है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, वैल्यू निकालनी है पॉइंट में, ध्यान से। अंजलि का आंसर आ रहा है 8th स्टेप पे गिरेगी, ठीक है देखते हैं। पानी की बोतल दे, बट द क्लास चला लग रही है। आस्था का भी 8th पे आ रहा है, गुड बाय। अंश का भी 8 आ रहा है, ठीक है। उत्कर्ष 8 सक्षम 8 प्रियांशु 8 आयाशु 8 श्रुति 8 ऋतिक 8 आदित्य 1 आदित्य भास्कर टिम्पल प्रियांशु रिदम प्रियांश रिदम अशेष दलिशा 8 सबका 8 ही आ रहा है,
गुड 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 ठीक है बढ़िया भाई। एट 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 सबका एट आ रहा है बहुत बढ़िया। y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू n बाई टू y इज इक्वल टू माइनस n बाई टू माइनस n बाई टू इज इक्वल टू n बाई टू टेन 37 माइनस 10 n बाई टू का स्क्वायर बाई टू इंटू फाइव का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 37 n बाई टू कट गया माइनस 1 इज इक्वल टू 3 बाई 4 माइनस 10 इंटू n बाई टू अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर 4 बाई 7 यानी 60 इधर लेके चले गए तो आ गया 5n बाई 32 इसको इधर ले आए सेवन बाई फोर एन इज इक्वल टू 56 बाई 5 आए मेरा तो कुछ और आ रहा है 4 8 32 8 से 56 बटे 5 मेरा तो कुछ और आ रहा है 56 बाई 5 क्या आ रहा है मौलिक का 11.2 आ रहा है ठीक है भाई सभी लोगों ने चिपका दिया 8 कैसे ऐसे कैसे उत्कर्ष पहले तो तुमने 8 बताया था सर मुझे लगा वही सही होगा 56 बाय 5 निकाल लिया था मैंने ना 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 ये तो नहीं चलेगा सभी लोग पकड़े गए एक ने बताया 8 तो सब ने पीछे पीछे लाइन लगा दी 8 मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि आंसर सही है तो सबका सेम आ सकता है लेकिन आंसर गलत हो और सबका सेम आ जाए ये तो बड़ा डाउटफुल कंडीशन है बताइए क्या फायदा पढ़ाने का बहुत दुख हो रहा है मुझे बहुत गड़बड़ है भाई ये गिरेगी 12th स्टेप पे आदित्य धुरान तुम कह रहे हो सर मेरा 56 बाई 5 आ गया था मगर मैंने देखा तो ये भाई देखो तुमने अपने ऊपर बिलीव ना करके हाँ मौलिक तुमने आंसर नहीं दिया था बेटे मुझे पता है अपने ऊपर सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो सबकी 8 आ गया आस्था 8 8 8 8 8 8 सबकी 8 कैसी कैलकुलेशन मिस्टेक है सबकी सेम कैलकुलेशन मिस्टेक ध्यान रखना था इसको कोई बात नहीं होता है ठीक है ध्यान रखिए अब इसको सॉल्व करते हो प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी चलो ये बताता हूँ बताओ जल्दी सॉल्व कीजिए अब मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ ये 1/3 मीटर की है और ये 1/4 मीटर की है ग्राउंड है ये ग्राउंड है ये फर्स्ट स्टेप है ये सेकेंड स्टेप है ये थर्ड स्टेप है ये पूरा का पूरा फर्स्ट स्टेप है स्टेडियम वाली है स्टेडियम में लगी होती है ना तो स्टेडियम वाली स्टेप्स हैं फर्स्ट स्टेप है 1/3 मीटर की चौड़ाई है और 1/4 मीटर की ऊंचाई है हाइट ठीक बात समझ में आ गई एक बॉल को फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री एंगल पे और 20 स्क्वायर बाई जी हो गया कितना 40 ये है 30 मीटर ध्यान से अब मैंने पूरी दूरी दे रखी है
समझ के फिगर समझ लीजिएगा, ये 30 मीटर है, यहाँ से ये दूरी 30 मीटर दे रखी है, ठीक है, ये 1/3 है। तो फर्स्ट स्टेप के लिए, सेकंड स्टेप के लिए, थर्ड स्टेप के लिए, फोर्थ स्टेप के लिए एंड दिस एंड दिस, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, 1/3 गड़बड़ हो जाएगा, 1 मीटर ले लेता हूँ, 1 मीटर आपके लिए ले लेता हूँ, ठीक है, 1 मीटर की ऊंचाई भी लेता हूँ, आसान हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। 1/3 में कैलकुलेशन बड़ी लंबी आ जाएगी। तो 1 मीटर की ऊंचाई है, 30 मीटर दूर से ये स्टेडियम है। मान लीजिए मैं फुटबॉल पे खेल रहा हूँ, मैंने फुटबॉल उछाल के मार दी 20 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर दूर से 45 डिग्री के एंगल पे, उस तक के स्टेप पे जाके टकराएगी। फाइंड ऑन विच स्टेप विल स्ट्राइक, ये फुटबॉल है, निकालिए और बताइए। सर फर्स्ट स्टेप ऐसे ही होगी जैसे आपने बताई है? हाँ, जहां तक लाइन बताई है, ये फर्स्ट स्टेप ही है, ये शुरू यहाँ से हो रही है, 1-1, ठीक है, ओके सर, ये 30 है। अब इसमें यही ध्यान रखना है कि nth स्टेप पे गिरने का मतलब x और y की वैल्यू ही निकालना मेन गेम है, बस बाकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पुट कर दे। x और y की वैल्यू n के टर्म में निकालना ही असली गेम है, प्लस माइनस। अब अपने हिसाब से डिजाइन कर लो कहाँ गिर रही है। फर्स्ट पे गिरने के लिए मैं होता तो मैं फर्स्ट पे यहाँ मानता, सेकेंड पे यहाँ मानता, थर्ड पे यहाँ मानता, फोर्थ पे यहाँ मानता, फिफ्थ पे यहाँ मानता, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू निकालने का गेम है। अगर वैल्यू मेरी आती 3.7, फोर्थ पे गिर रही, मौलिक बता रहा है, ठीक है, देखते हैं मौलिक कहाँ से ला रहा है, फोर्थ, फाइव, सक्षम का फाइव आ रहा है, ठीक है, देखते हैं मौलिक का फोर, सक्षम का फाइव, ठीक है, कहाँ लैंड करती है आपके ऊपर है। मोहित चौहान 5 आ रहा है, ठीक है, बस थोड़ा सा 1-1 का लेने की गड़बड़ी है और बाकी तो सब ठीक है, 5-8, श्रुति लेफ्ट, अच्छा, बीच में आना जाना चलता रहता है लोगों का। गगन का आ रहा है 4, गगन बहुत दिनों बाद, कहाँ थे भाई, बहुत टाइम लगा रहे हैं लोग, बहुत मेहनत वाला सवाल तो नहीं दे दिया मैंने, चलो 1-2 मिनट और दे रहा हूँ, कर लो। डिंपल 4, डिंपल का आ रहा है 4, डिंपल राघव, अंजलि 4 आ रहा है,
अंश का भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं अंश, प्राइवेटली मत भेजो, नहीं हो रहा दोबारा करेंगे। माना फर्स्ट स्टेप पे गिरा, यही समझना है बस, मैं ये कॉर्नर पे गिरता हुआ मान ले रहा हूं। अब 1.2 आया तो इसका मतलब कहां गिर रहा है, वो फर्स्ट पे गिर रहा है। अब यहां यही समझना है, मैंने फर्स्ट को यहां माना तो x की वैल्यू हो गई 31 और y की वैल्यू हो गई 1। सेकेंड स्टेप लिया, x की वैल्यू 32 सेकेंड पे गिरा 32, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 33, y की वैल्यू 3 थर्ड के लिए, और nth पे x की वैल्यू 30 प्लस n और y इज इक्वल टू n, यही ध्यान रखना है। अब अगर मेरी n की वैल्यू 4.7 आती है तो किस स्टेप पे गिर रहा है वो, फोर्थ पे गिर रहा है, ध्यान रखना है ना, वो फोर्थ पे गिर रहा है। अगर n की वैल्यू 4.7 आ रही तो फोर पे गिर रहा है, क्योंकि 1 शुरू यहां से हो रहा है, तो 1 से लेके 2 तक वो 1 ही स्टेप है। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि आपको वैल्यूज को कैसे वो करना है, इलेबोरेट करना है, ध्यान रखते हुए, ठीक है। फाइंड ऑन विच स्टेप फुटबॉल विल स्ट्राइक, अब मेरे लिए वैल्यू को निकालना है, पार्ट इसमें पुट करना है ट्रेजेक्ट्री में। अब मुझे जनरल स्टेप के लिए एक्स और वाई दोनों की वैल्यू मिल गई, अब मैं इसके हिसाब से आगे बढ़ जाता हूँ। तो मैं पुट कर देता हूँ y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब मुझे बस वैल्यूज पुट करनी और क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना है। y की वैल्यू हो गई n, x की वैल्यू हो गई 30 प्लस n, tan 45 माइनस tan 30 प्लस n का स्क्वायर बाय 2 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 45। ये बन गया n इज इक्वल टू 30 प्लस n माइनस 10, टेन हटा देता हूँ, 30 प्लस n का स्क्वायर बाय 40। n से n कट गया, 30 प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 इंटू 40, तो 30 प्लस n इज इक्वल टू 10 रूट 12, n इज इक्वल टू 10 रूट 12 माइनस 30। अब इसको सॉल्व करना है आपको, कितनी वैल्यू आ रही निकाल लेंगे, टू बाहर ले लीजिए, टू रूट थ्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 रूट थ्री माइनस 30, रूट थ्री की वैल्यू 1.7 ले लीजिए, 1.71 है ना। अरे यार ये तैयार बहुत परेशान किए हुए ठीक है, तो 20 रूट थ्री माइनस 30, 20 इंटू 1.71, तो 34.64 आ रहा है। 4.6 हाँ, मैंने 1.732 लिया है। किस स्टेप पे गिरी, फोर्थ। यही ध्यान रखना है, स्टेप किस पे जाने वाला है वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको स्टेप डिसाइड करना है। तो वो स्टेप को जरूर बताएगा लेकिन आपको एक्स वाई नहीं बताएगा, वो उसकी प्रॉब्लम ये रहेगी कहाँ गिरने वाला, तो आपको समझ के कर सकते हैं बाकी प्रॉब्लम के तरीके से। देखो इसीलिए मैंने जनरलाइज उठा लिया, सिर्फ फुटबॉल वाला, एक आध क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो मिलेगा भी आपको।
ठीक है, एक दो और दूं मैं, चलो एक और दे रहा हूँ, करो। यस सर। उसके बाद फिर कल इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल और डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन कल कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्टाइल। अब एक काम कीजिएगा, कल अभी प्रोजेक्टाइल में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, मैंने कई टाइप के क्वेश्चन कराए नहीं है, कल भी कराऊंगा और उसके बाद थोड़े से अलग अलग टाइप के ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन, तो आज आप लोग कंप्लीट कर लीजिए आज। हाँ आज और कल, आज हो रहा है बुधवार, आज बुधवार है, कल बृहस्पति, कल का दिन और मोस्ट प्रोबली मान लीजिए परसों का दिन भी लग सकता है पूरा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट होने, तो बुध बृहस्पति शुक्र, तो सैटरडे संडे को हम लोग ले लेंगे पूरा कंप्लीट, डाउट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद मंडे को वो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, वो एक से दो दिन का लेक्चर है, वो एक दो दिन में कंप्लीट कर लेंगे, फिर पूरा का पूरा रिवीजन करके फिर से डाउट ले लेंगे आगे टेस्ट के पहले, डन। हाँ तो प्रोजेक्टाइल तक कंप्लीट कर लीजिए, अभी प्रोजेक्टाइल कंप्लीट मैंने नहीं कराया, मुझे कई डिफरेंट टाइप के, अभी तो मैं सिंपल मेथड पे चल रहा हूँ, अभी इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल बताना है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन कराने हैं, कुछ वैसे भी कराने हैं, तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर कल मैं थोड़ा ट्रिकी वाला गेम खेलूंगा, इंक्लाइन वाला पहले कराऊंगा उसके बाद ट्रिकी वाला गेम। चलो देखते हैं कौन करता है इसको। मैं स्टेप की हाइट और विड्थ ले लेता हूँ आसान करते हुए, हाइट की वैल्यू भी 1 ले लेता हूँ, विड्थ की वैल्यू भी 1 ले लेता हूँ, रियल प्रॉब्लम में नहीं होगा ऐसा, लेकिन फिर भी मैं ये मेरी फर्स्ट फर्स्ट चेयर बोल दीजिए, जो भी चेयर हो स्टेप हो, इस पे आदमी बैठता है जनरली पीछे टेक लगा करके, उसके बाद ऊपर यहाँ आदमी बैठता है, ये फर्स्ट स्टेप है मेरा, ये बना हुआ, ठीक है। एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे। सर किसी बच्चे की वीडियो ऑन है सर, वो बार बार आ रही है, कोई यूवी नाम का। क्या नाम है? यूवी। मिस्टर यूवी, मिस्टर यूवी, ठीक है गायब हो गया, अब तो नहीं आ रहा है, इसको ले लेते हैं 53 डिग्री एंगल और इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं 25 मीटर पर सेकंड। असेंबली में क्या बताया? क्या गाय है? ये तो दिया ही नहीं। हाँ ये दिया ही नहीं। 24 और ये ले लेते हैं कितना, 25 20 20 चार को लेते हैं 40 मीटर। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। वीडियो नहीं आ रही, अभी आ रही है? यस सर। क्लियर नहीं आ रही कि आ ही नहीं रही है? सर अब आ गई है। आ गई है ना, तो एक काम किया करो, जब भी वीडियो करो तो डबल टैप कर लिया करो जिससे पिन हो जाए, उसके अलावा किसी और की वीडियो आएगी ही नहीं। करो पिन भी नहीं हो रही थी बीच में। यस सर, पिन नहीं हो रही थी। मैम यस सर, डबल टैप से भी नहीं हो रहा है। निकलो अभी, चलो निकलो, मैं पढ़ा रहा हूं, बाद में अंदर रख लिए कर दिया। तो अब आपको बताना है कि बॉल को जाके कहां पर स्ट्राइक करना है, इस स्टेप पे, ये दे रखा है 40 मीटर, डन। निकालिए बताइए फटाफट जल्दी से। फर्स्ट स्टेप तक ही दे रखी है, देखिए 40 मीटर। अंश का 27 आ रहा है और
सेकंड स्टेप के लिए x की वैल्यू 41 और y की वैल्यू 2. थर्ड स्टेप के लिए x की वैल्यू 42. थर्ड के लिए x इज इक्वल टू 42, y इज इक्वल टू 3. अब जरा बताओ nth के लिए कितना होना चाहिए. फर्स्ट के लिए वैल्यू है 40, सेकंड के लिए वैल्यू 45, थर्ड के लिए वैल्यू 42, तो n के लिए वैल्यू क्या आएगी? अंश समझ में आया क्यों लिया? हाँ हिमांशु, सॉरी हिमांशु, अब आगे समझ में. सीरीज है ना, पूरी सीरीज देखनी है. जब x की वैल्यू 1 थी तो y इसकी वैल्यू 40 आ रही थी, जब ये वैल्यू 1 थी, जब ये वैल्यू 2 हुई तो ये वैल्यू 41 आ रही थी, जब वैल्यू 3 हुई तो 42 आ रही थी, तो n हो गई तब क्या आ जाएगी? 39 प्लस n. डन. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, मैं नहीं कर रहा, आप ना कर लीजिएगा. 10 into 39 plus n का स्क्वायर, आराम से कंफर्टेबली बैठ करके 2 into 25 का स्क्वायर into cos 53 becomes 9/25. सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, n की वैल्यू क्वाड्रेटिक बना करके अच्छी सी, और सॉल्व कर लीजिएगा. एग्जैक्ट वैल्यू ना भी निकले तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लीजिएगा. गॉट इट? ठीक है ना. कल थोड़ा सा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल और वो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, बॉल